नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज हम करने जा रहे हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 8। अब तक मैं आपको 7 प्रॉब्लम्स जो हैं, बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स जो हैं, वो करा चुकी हूँ। और इससे पहले अब तक 47 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं वैक्टर स्पेस से रिलेटेड डेफिनेशन, थियोरम्स और रिजल्ट के ऊपर, जो सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट से। लेट ए इज इक्वल टू एक्स वाई 0 सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड बी इज इक्वल टू 0 वाई जेड सच दैट वाई जेड बिलोंग्स टू आर बी टू सबस्पेसेस ऑफ V, जहाँ पर हमारे पास में V क्या है, R क्यूब ओवर द फील्ड R, यानी कि हमारे पास में V जो है वो है R क्यूब और फील्ड जो है वो है R। हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ A प्लस B, यानी यहाँ पर डायमेंशन ऑफ डायरेक्ट सम, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये वाला हमें यूज करना है। हमें दो सबस्पेसेस दे रखे हैं ए एंड बी और ओवर द फील्ड आर, ओवर द वेक्टर स्पेस आर, और जहां पर हमारे पास में फील्ड जो है वो है आर, और हमें डायमेंशन फाइंड करनी है ए प्लस बी की। तो चलिए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को स्टार्ट करें, उससे पहले एक एक चीज को हम पहले लिख लेते हैं। वी इज इक्वल टू आर क्यूब है हमारे पास में, F जो है वो है R, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमारे पास में A जो है वो है X, Y, 0 सच दैट X, Y बिलोंग्स टू R। यहाँ पर देखिए हमें स्पेसिफिकली इस तरह के ट्रिपलेट कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, जहाँ पर फर्स्ट टू ऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, 0, नॉन जीरो, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन थर्ड कोऑर्डिनेट जो है वो हमेशा फिक्स 0 ही रहेगा। और जो B है हमारे पास में वो है 0 y z such that y z belongs to R। यहाँ पर भी हमारे पास में क्या है, जो सेकेंड और थर्ड कोऑर्डिनेट है वो कुछ भी हो सकता है, 0, नॉन जीरो, कुछ भी, लेकिन जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो फिक्स हमें 0 दे रखा है। अब यहाँ पर हम ये जानते हैं कि हमारे पास में जो स्टैंडर्ड बेसिस होती है R क्यूब की वो किस तरह की होती है। लेट एस इज इक्वल टू ई 1 1 0 0, ई 2 इज इक्वल टू 0 1 0, ई 3 इज इक्वल टू 0 0 1 बी द स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर 3। हमारे पास में ये आर थ्री की स्टैंडर्ड बेसिस होती हैं। अब ए और बी जो हैं वो सबस्पेसेस हैं, इसका मतलब वो भी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होंगे। जब वी की एक बेसिस एग्जिस्ट कर रही है तो ए और बी की भी बेसिस एग्जिस्ट करेगी। अब हमारे पास में ए एंड बी आर सबस्पेसेस ऑफ आर क्यूब, ये हमारे पास में R क्यूब के सब स्पेसेस हैं। इसमें A और B में स्पेसिफिकली हमारे पास में R क्यूब के अंदर किस तरह के एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं, X, Y, Z सच दैट X, Y, Z बिलोंग्स टू R। A और B में और R, ये वाले जो R क्यूब के एलिमेंट्स हैं, इनमें डिफरेंस क्या है हमारे पास यहाँ पर, कि यहाँ पर ये जो एक फिक्स एलिमेंट है लास्ट वाला वो 0 है, और बी में ये जो फर्स्ट वाला फिक्स एलिमेंट है ये 0 है। इसके अलावा बाकी दोनों एलिमेंट्स जो हैं, चाहे वो ए के हों चाहे वो बी के हों, ये हमारे पास में आर क्यूब के एलिमेंट्स की तरह ही होंगे। इसका मतलब कि हमारे पास में ए और जो बी है उनकी जो बेसिस है वो भी इस स्टैंडर्ड बेसिस का सबसेट ही होगी। देयरफॉर एस ए इज अ सब इज अ बेसिस ऑफ ए, जो किस तरह से होगी, एस ए, अगर हम इसको देयरफॉर लिखते हैं, लेट एस ए इज द बेसिस ऑफ ए, तो हमारे पास एस ए किस तरह की होगी,
एस ए के अंदर हमारे पास में आएगा 100, जहां पर देखिए हमने लास्ट कोऑर्डिनेट को फिक्स 0 लिया है, और 010 यहाँ पर भी लास्ट कोऑर्डिनेट को फिक्स 0 लिया है, बाकी पहला दूसरा एलिमेंट जो है वो 0 नॉन 0 कुछ भी हो सकता है। तो हमारे पास में एस ए आ जाता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ऑर्डर ऑफ एस ए जो है वो 2 है, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए जो है वो हमारे पास में क्या आ गया, 2, क्योंकि इसके बेसिस के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो ही हमारे पास में ए की डायमेंशन होगी, और एस ए जो है वो उसकी बेसिस है, तो हमारे पास में डायमेंशन ऑफ ए जो है वो 2 आ गई। लेट एस बी इज द बेसिस ऑफ बी, तो हमारे पास में एस बी के अंदर हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि पहला जो एलिमेंट है वो हमारे पास में 0 है, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास में 0, नॉन 0, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया 010001। तो इस तरह से हमारे पास में एस बी आ गई है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इस एस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 2, तो इसका ऑर्डर हो गया 2। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बी जो है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में, 2। अब एक चीज हमें मालूम है, हमने ये वाली थ्योरम पहले भी कर रखी है, डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए प्लस डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पर देखिए, ये हमें पता है 2 आ चुका है, ये हमें पता है 2 आ चुका है, लेकिन हमने अभी तक ए इंटरसेक्शन बी जो है वो कैलकुलेट नहीं करा है। तो यहाँ पर हमें ए इंटरसेक्शन बी की डायमेंशन की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले तो हम ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करते हैं, फिर उसकी बेसिस जनरेट करते हैं, फिर हम देखेंगे कि बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, और वो ही हमारे पास में डायमेंशन आएगी ए इंटरसेक्शन बी की। तो लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, हमने ट्रिपलेट ऑर्डर ले लिया है। अब ये इंटरसेक्शन के अगर अंदर आ रहा है, इसका मतलब एक्स वाई जेड जो है वो ए के अंदर भी बिलोंग करता है, और एक्स वाई जेड जो है वो बी के अंदर भी बिलोंग करता है, ये दोनों के अंदर बिलोंग कर गया। अब अगर ए के अंदर बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका जो फिक्स थर्ड ई वाला ट्रिपलेट जो आ रहा है ये 0 है, यानी कि z इज इक्वल टू 0। और अगर ये b के अंदर बिलोंग करता है तो हमारे पास में जो फर्स्ट वाला ये है x, ये हमारे पास में 0 रहेगा, यानी x इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। और y जो है वो दोनों के अंदर कोई भी एक रियल नंबर था, तो y बिलोंग्स टू r। तो अब हमें तीनों एलिमेंट्स की कंडीशन मिल चुकी है, तो हमारे पास में a इंटरसेक्शन b क्या आ जाता है, x y z सच दैट x इज इक्वल टू 0, y बिलोंग्स टू r एंड z इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास में, पहले प्लेस में हम 0 लिख देते हैं, सेकेंड प्लेस में हमने y लिख दिया, थर्ड प्लेस के अंदर हमने 0 लिखा, सच दैट y बिलोंग्स टू r, a इंटरसेक्शन b। अब हमारे पास में a इंटरसेक्शन b जो है वो भी एक सबस्पेस है वेक्टर स्पेस r क्यूब का, तो हमारे पास में इसकी भी एक डायमेंशन एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि v जो है वो भी एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। तो इसकी भी जो डायमेंशन है, इसकी भी जो बेसिस है, वो हमारे पास में सबसेट होगी स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ इट्स वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पर हमें क्या कंडीशन दे रखी है कि पहला और जो लास्ट वाला कोऑर्डिनेट है ट्रिपलेट का, ये 0 है। देयरफॉर अगर हम ले लेते हैं, लेट एस ए इंटरसेक्शन बी इज द बेसिस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देन हमारे पास में ए एस ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, 010, सच दैट हमारे पास में ये क्या आ गया, सिर्फ इतना एक ही हमारे पास में इसके अंदर एलिमेंट आएगा, 010। अब हमारे पास में ऑर्डर ऑफ एस ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाता है, यह है हमारे पास में 1, क्योंकि हमारे पास में एस ए इंटरसेक्शन बी के अंदर खाली एक ही एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो डायमेंशन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गई हमारे पास में, 1।
therefore dimension of a plus b is equal to dimension of a plus dimension of b minus dimension of a intersection b. सबकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, 2 + 2 - 1 विच इज इक्वल टू 3. देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 3. ये इस तरह से हमें यहाँ पर ए प्लस बी यानी कि जो सम है उसकी डायमेंशन मिल जाती है. इस क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से पूछा जा सकता है आपसे. हो सकता है कि आपको ए और बी जो एलिमेंट्स हैं वो आर क्यूब की बजाय, यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है हमारे पास में वो आर क्यूब है. हो सकता है कि आपको वेक्टर स्पेस आर स्क्वायर पूछ लें, आर फोर पूछ लें, आर फाइव पूछ लें. इस तरह से कोई भी वेक्टर स्पेस पूछा जा सकता है. यहाँ पर ए और बी जो है, यहाँ पर ए के अंदर हमारे पास में लास्ट वाला जो कोऑर्डिनेट था वो ज़ीरो बताया गया है. बी के अंदर हमारे पास में जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो ज़ीरो बताया गया है. लेकिन हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे सेकंड कोऑर्डिनेट, दोनों के सेकंड कोऑर्डिनेट, एक का डिफरेंट, ऐसे भी कोऑर्डिनेट को ज़ीरो पूछ लिया जा सकता है. या फिर ए और बी के अंदर आपस में कोऑर्डिनेट्स के बीच में कोई रिलेशन बताकर पूछा जा सकता है. तो ये एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी सारे सब क्वेश्चंस को कवर करता है और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है. तो इस तरह से हमारा आज का ये जो क्वेश्चन है ये कम्प्लीट होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम एक और जो प्रॉब्लम है वो डिस्कस करेंगे. अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.